हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू हमने डिस्कस किया था और कनेक्टिव टिश्यू के फोर जो पार्ट थे वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब उसका जो लास्ट पार्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लास्ट जो फिफ्थ पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू, वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो है फ्लूइड शेप में, फ्लूइड जो है फ्लूइड की फॉर्म में रहता है फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड जो है एक्चुअल में टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, लिम्फ एंड ब्लड। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट में, ब्लड एंड लिम्फ। तो हम लोगों को यहाँ पर ब्लड एंड लिम्फ दोनों को डिस्कस करना है। ओके, ब्लड एंड ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ब्लड। ठीक है, तो देखो ब्लड जो होता है ये वाटरी मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी कि मींस इसमें जो है ये ब्लड में टू कंपोनेंट्स में ये डिवाइडेड रहता है। जो वाटरी मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, एंड जो सॉलिडिफाइड मिक्सचर होता है या इसमें जो है अदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अलावा, वो होती है क्या, ब्लड कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें, ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, तो यहाँ 55% जो पार्ट होता है वो कौन फॉर्म करता है, 55% पार्ट जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है किससे, प्लाज्मा के थ्रू, एंड ब्लड का 45% पार्ट ब्लड कॉर्पसल से फॉर्म होता है। ठीक है, ब्लड जो होता है इसकी पीएच 7.4 होती है बिकॉज एल्कलाइन नेचर का होता है। ओके, क्लियर, एंड 5 to 5.5 ml जो है, सॉरी लीटर जो ब्लड है, ठीक है, ml ब्लड जो है प्रेजेंट होता है जनरली हमारे बॉडी में, 5 to 5.5 liter जो है ब्लड जनरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखो ब्लड के जो टू कंपोनेंट है कौन कौन से कंपोनेंट, प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड प्लाज्मा जो है वाटरी मिक्सचर होता है या एक्वस मिक्सचर भी हम लोग बोल सकते हैं, एंड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट होती है। ब्लड प्लाज्मा जो है 55% पार्ट फॉर्म करता है ब्लड का, एंड ब्लड कॉर्पसल्स के थ्रू 45% पार्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ब्लड का देखो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्लाज्मा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो है वो वाटरी मिक्सचर होता है, एंड ब्लड प्लाज्मा जो है जनरली इसमें तीन टाइप ऑफ प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, विच टाइप ऑफ प्रोटीन, थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन यहाँ पर जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें ब्लड प्लाज्मा में, ओके, फर्स्ट जो प्रोटीन, फर्स्ट टाइप की जो प्रोटीन होती है वो होती है एल्बुमिन, सेकेंड होती है ग्लोबुलिन, और थर्ड होती है, कौन कौन सी प्रोटीन होती है तो यहाँ पर, ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन, एंड जो लास्ट प्रोटीन होती है वो किस चीज, लास्ट प्रोटीन जो है वो क्या होती है, तो लास्ट प्रोटीन जो होती है यहाँ पर देखो कौन कौन सी प्रोटीन जो है जनरली ब्लड में प्रेजेंट होती है, ब्लड प्लाज्मा तो वाटरी मिक्सचर में जो है 55% होता है, एंड यहाँ प्रोटीन जो होती है जनरली एल्बुमिन, एल्बुमिन, सेकंड इज ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड फाइब्रिन होते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जनरली ब्लड प्लाज्मा में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है,
ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है इम्यून सिस्टम में वर्क करती है या इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ब्लड की क्लोटिंग कराने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप। ठीक है, RBC या एरिथ्रोसाइट या फिर नेक्स्ट होती है WBC, ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट्स एंड लास्ट होती है क्या? प्लेटलेट्स। ओके, तो ये हमने ब्लड कॉर्पसल्स को डिवाइड किया है। अब ब्लड कॉर्पसल्स में जो ये जो है पार्ट इसके RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, उनको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ब्लड प्लाज्मा के बारे में बता चुकी हूँ कि ब्लड प्लाज्मा में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है जनरली क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। एंड ब्लड में जो है प्लाज्मा जो होता है वो कैसा होता है? पेल येलो कलर या पेल कलर का होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। एंड इसका क्या फंक्शन है? ब्लड को लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड जो है ब्लड, तो वो किस रीजन से है? बिकॉज ब्लड प्लाज्मा की रीजन से, बिकॉज प्लाज्मा वहां पर जो है जनरली प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि वाटर ही क्या है, मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसमें वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो क्या वर्क करती है, जिनका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स में हमने इसको 45% जो है पार्ट होता है ब्लड कॉर्पसल्स का। एंड ब्लड कॉर्पसल्स जो है उनको 3 टाइप में हमने डिवाइड किया है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग RBC के बारे में डिस्कस करेंगे। सो RBC जो होती है, देखो RBC इसका फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। ओके, रेड ब्लड सेल्स RBC ब्लड RBC जो है वो रेड कलर की होती है। जनरली क्या होता है, रेड क्यों है ये? बिकॉज रेड होने का रीजन क्या है? यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है या हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो क्या होती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है वो आयरन के साथ कंबाइन हो जाती है और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट या हीमोग्लोबिन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से जो है RBC जो है रेड कलर की होती है। अब RBC की जो प्रॉपर्टी है या इसकी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो डिस्क शेप बाइकॉनकेव होती है। ठीक है, कैसी होगी स्ट्रक्चर? डिस्क शेप बाइकॉनकेव एंड स्फेरिकल या राउंडेड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। एंड इसमें जनरली क्या होता है? लैक ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जनरली RBC में एब्सेंट होता है। मैमल्स की जो RBC सेल है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी RBC की। RBC में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, RBC जो है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो RBC का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। किसमें फॉर्म होती है RBC? बोन मैरो में फॉर्म होती है। एंड इनका जो, जब RBC की जो सेल है वो डेड हो जाती है या वो कैसी हो जाती है, वर्क करना बंद कर देती है, यानी कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ टाइम पीरियड जो होता है वो 120 डेज का होता है। कितने डेज का होता है? 120 डेज का। और आफ्टर 120 डेज ये कहाँ जाती है? स्प्लीन जो होता है उसमें चली जाती है। और स्प्लीन में इनको क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है, इनको किल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्प्लीन को क्या बोला जाता है? बैकयार्ड ऑफ RBC। ठीक है, बैकयार्ड ऑफ RBC, RBC का कब्रिस्तान जनरली उसको कहा जाता है, स्प्लीन को। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको RBC के बारे में। अब देखो जो स्मॉलेस्ट जो सेल है RBC की, वो जो उसमें जो है जनरली क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर हम लोग बात करें तो कैमल की जो RBC होती है वो कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है, वहाँ न्यूक्लियस जो है जनरली प्रेजेंट होता है। बट मोस्ट ऑफ द मैमल्स जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ द मैमलियन और ऑर्गेनिज्म है, उनमें जनरली न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट RBC जो है इससे बोन मैरो में
प्रोड्यूस होता है और कलर प्रोवाइड करने का जो ब्लड का जो कलर आपको दिखता है वो आरबीसी की रीजन की वजह से ही शो होता है। नेक्स्ट जो कॉर्पसल्स है वो है WBC। ओके सो WBC की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। एंड ल्यूकोसाइट भी जनरली इनको कहा जाता है, ठीक है। WBC जनरली फॉर्मेशन जो होता है इसका वो कहाँ होता है, रेड बोन मेरो के थ्रू हो सकता है या फिर थाइमस ग्लैंड एंड अदरवाइज बोन मेरो जो थाइमस ग्लैंड है उसमें इसका जो है फॉर्मेशन जनरली किया जाता है। किसका, स्प्लीन में भी होता है इसका फॉर्मेशन WBC का, ठीक है। WBC में कोई एनी टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, सो इसलिए इसका जो कलर होता है WBC का जो कलर है ये कलरलेस है। कैसी है ये, कलरलेस है या कलर इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। आफ्टर दैट देखो WBC में जो है टू टाइप ऑफ सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं जनरली, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, टू टाइप ऑफ सेल, यानी कि इसको जो है WBC को टू टाइप ऑफ सेल में डिवाइड किया जाता है, फैगोसाइट, ओके इसमें फैगोसाइट एंड यहाँ पर देखो हम लोग इसे टू टाइप में डिवाइड करेंगे, कौन कौन सी, फैगोसाइट्स एंड दूसरा होगा इम्यूनोसाइट, या टू टाइप में हम लोग डिवाइड करेंगे WBC को, फैगोसाइट एंड इम्यूनोसाइट। ठीक है, तो देखो जनरली जो फैगोसाइट से WBC की जो सेल है फैगोसाइट इनका जो मूवमेंट होता है वो किस तरह का होता है, ये जनरली अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है। अमीबॉइड मूवमेंट आपको पता है ना, लोकोमोशन जो होता है अमीबा में, ठीक है, वो स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, लोकोमोशन शो करता है। सेम उसी तरह से फैगोसाइटिक जो सेल होती हैं, फैगोसाइट जो होती हैं वो आने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है या आउटसाइड जो भी एंटीजन है उसको कैसे किल करती है, तो फैगोसाइट्स जो होती हैं वो उसको स्यूडोपोडिया फॉर्म करके और फिर इस तरह से जो है वो क्या करेगी, उसे किल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लोकोमोशन जो होता है वो अमीबॉइड होता है इनमें, ठीक है। इन सेल्स का लोकोमोशन कैसा होता है, अमीबॉइड होता है, ठीक है। फिर इम्यूनोसाइट का क्या हुआ कि इम्यून कोई भी जो है आउटसाइड से एंटीजन अगर बॉडी में एंटर करता है तो उसे किल करने का वर्क कौन करती है, इम्यूनोसाइट, ओके। देन फैगोसाइट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है टू टाइप में, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। यहाँ देखो एक और चीज, WBC में जनरली क्या होता है, न्यूक्लियोइड होती है, यानी कि इसमें जो है जनरली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बस एब्सेंट कहाँ होता है, ओनली RBC ऐसी स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में जिसमें जिसकी सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ओके। देन ग्रैनुलोसाइट एंड एग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट को फर्दर डिवाइड किया जाता है थ्री पार्ट में, इओसिनोफिल, बैसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, ओके। किन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इसको, ग्रैनुलोसाइट को थ्री पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। सो थ्री पार्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पर इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, देन बैसिडोफिल या बैसोफिल, न्यूट्रिनोफिल्स, ठीक है। इओसिनोफिल्स जो है इनको एसिड डाई के थ्रू इनको स्ट्रेन किया जाता है, बैसिडोफिल या बैसोफिल्स जो होती हैं उनको जनरली जो है स्ट्रेन किया जाता है, किससे, बैस के थ्रू स्ट्रेन किया जाता है, ठीक है। एंड जो न्यूट्रिनोसाइट होती हैं या न्यूट्रोफिल्स होती हैं उनको स्टेन किया जाता है किससे, न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है, न्यूट्रल डाई के थ्रू। एग्रेनुलोसाइट जो है फैगोसाइट्स की ही क्या होती हैं, सेल होती हैं, ठीक है।
अ फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड का देखो मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन किसका, जो भी हार्मोन एंजाइम्स जो बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं एंड वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जो बॉडी में हम लोग ले रहे हैं, उनको पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि ब्लड जो है वो सेलेक्टिवली क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है या मोस्टली यूज में आने वाला जो है, मोस्टली बोल सकते हैं कि इसका जो वर्किंग है वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है, यानी कि ये कैसे वर्क करता है, फास्ट वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन एंजाइम्स एंड अदर जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है एंड जो भी यूरिन है, अमीनो एसिड्स है, एंड इन सभी का क्या करता है यह लोगों वो सॉरी ट्रांसपोर्टेशन करने का वर्क करता है। सेकंड, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको टारगेट ऑर्गन तक क्या करता है, लेकर जाता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने का वर्क करता है, ठीक है। तो ये भी ब्लड का वर्क है। ब्लड में एनी अदर सब्सटेंस लाइक यूरिन, ठीक है, यूरिया एंड अदर जो वेस्ट प्रोटीन है, फैट है, ये भी इसी में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको भी रिमूव करने का वर्क, यानी कि कहाँ लेके जाता है, ये जो भी टारगेट ऑर्गन होते हैं उन तक लेकर के चला जाता है, ठीक है। ब्लड जो है इम्यूनोलॉजी के लिए बेसिक कंपोनेंट है, बिकॉज हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको कौन फॉर्म करता है, तो ब्लड के थ्रू ही ब्लड में प्रेजेंट WBC जो है वो उसको क्या करती है, फॉर्म करती है। ब्लड में फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो जनरली क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो वो क्लॉटिंग करने का भी वर्क करती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हेमरेज जो होता है वो नहीं हो पाता है। ब्लड अगर ज़्यादातर ब्लड बह जाता है या क्लॉट बनता है तो वो अगर रुकता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है, तो उससे ब्रेन हेमरेज होने का जो है ज़्यादा क्या रहता है, खतरा होता है या डेंजरस होता है वो हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ब्लड की क्या रोल है हमारी बॉडी में वो आपको क्लियर हो गया, जो फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं वो आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। तो ब्लड क्लियर हो गया। अब इसमें देखो प्लेटलेट्स भी रिमेनिंग जो है बच रहा हुआ है पार्ट, ठीक है। तो प्लेटलेट्स तो जो है छोटी स्मॉल जो है प्लेट्स होती हैं, ठीक है, मेनी नंबर ऑफ होती हैं, ये नंबर में बहुत सारी हैं, एंड RBC जो है 15 मिलियन के अप्रोक्स होती है पर MM³ में, ठीक है, 15 मिलियन के अप्रोक्स इनकी जो है क्वान्टिटी जनरली पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप ब्लड कॉर्पसल में, यानी कि ब्लड कॉर्पसल में हमने RBC, WBC एंड फेगोसाइट्स, तो ये तो हमने ब्लड का जो पार्ट था वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट है क्या, कनेक्टिव टिश्यू का लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड फिल्टर ब्लड, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लिम्फ किसे बोलेंगे हम लोग, फिल्टर ब्लड। फिल्टर ब्लड जो होता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, लिम्फ। लिम्फ जो है जनरली लिम्फ नोड्स के थ्रू जो है रिलीज होता है, एंड थाइमस जो ग्लैंड है उसके थ्रू भी इनका क्या होता है, सिक्रीशन जनरली किया जाता है लिम्फ का, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो फिर लिम्फ जो है इसमें जनरली ब्लड में तो क्या प्रेजेंट होती है, WBC, RBC, RBC एंड अदर जो भी है प्लेटलेट्स, ये सभी कंपोनेंट जो है ब्लड के होते हैं, बट लिम्फ में RBC है, ठीक है, इसके अलावा जो अदर सब्सटेंस है प्लेटलेट्स वो जनरली एब्सेंट होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर लिम्फ में हीमोग्लोबिन लाइक कोई भी अदर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस, ओके। तो लिम्फ का जो है कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है, ठीक है। एंड इसका फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट्स को जो है क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है कौन, लिम्फ, ठीक है। अदर देन इस लिम्फ के थ्रू भी क्या फॉर्म की जाती है, लिम्फ के थ्रू भी जो है फॉर्म की जाती है क्या, जो आपके इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाली जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन जनरली लिम्फ के थ्रू भी किया जाता है, यानी कि ये क्या करती है,
जो ब्लड है, ब्लड में प्रेजेंट जो WBC है इनको जो है सपोर्ट करने का वर्क करती है। यानी कि कोई भी एंटीजन अगर एंटर होता है तो थाइमस ग्लैंड में, क्योंकि जनरली ये फॉर्म होती है तो थाइमस ग्लैंड में यहाँ पर इम्यूनिटी की पावर होती है, इसकी जो सेल्स होती है उनमें, ठीक है, तो इम्यूनिटी रखती है तो इजीली क्या करेगी, किल करने का वर्क करती है। यानी कि गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो यहाँ पर फॉर्म होती है, जो कि एज अ एंटीबॉडी जिसे हम बोलते हैं, गामा ग्लोबुलिन होती है वो, ठीक है, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी का सिक्रेशन जनरली कहाँ से होता है, लिम्फ के थ्रू किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, लिम्फ के थ्रू, ठीक है। तो लिम्फ के थ्रू एंटीबॉडी वो होती है सिक्रीट, और एंटीबॉडी क्या करती है, जो भी आउटसाइड से आने वाला एंटीजन है उसको किल करने का वर्क करती है। क्लियर, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग क्या बात करेंगे, ये तो हमने बात की इसकी, ब्लड और लिम्फ की जो है हमने बात की। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मसल टिश्यू, ठीक है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, मसल टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू में जो लास्ट पार्ट था वो हमने डिस्कस किया है अभी, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू, तो देखो मसल टिश्यू क्या होता है, मसल टिश्यू लोकोमोशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मसल टिश्यू का क्या फंक्शन है, ये लोकोमोशन एंड सपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड मसल्स जो है वो क्या करती हैं, बोन से कनेक्ट होती हैं। बॉडी का 80% पार्ट, सॉरी बॉडी का जो पार्ट है, ठीक है, जिससे आप क्या कर पा रहे हो, लोकोमोशन की जो प्रोसेस हो रही है वो आप किसके थ्रू कर पा रहे हो, वो मसल्स के थ्रू ही हम लोग क्या कर पाते हैं, ठीक है। तो मसल जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट टिश्यू है या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मसल देखो इसकी जो है डिस्टिंग्विश जो करते हैं इसको, तो इसकी प्रॉपर्टीज एंड इसकी जो वर्किंग होती है फंक्शनिंग के बेसिस पे इसको जो है डिस्टिंग्विश किया जाता है, और इसको अलग ही हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और अदर टिश्यू के कंपैरिजन में, बिकॉज इसका फंक्शन जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो आज मूव कर पाते हो, ठीक है, जैसे मैं, मुझे डस्टर होल्ड करना है तो मैंने इसको होल्ड कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर पा रही हूँ मैं, बिकॉज मसल्स के थ्रू, है ना, मसल्स जो है उन्हीं के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, क्लियर। तो मूवमेंट जो है हम किसके थ्रू कर पा रहे हैं, मसल के थ्रू। अब देखो जनरल कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें मसल की, तो मसल की जो स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है मसल की, वो मसल टिश्यू की, वो होती है कौन, मसल सेल। कौन होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है मसल की, मसल टिश्यू की, वो कौन होती है, मसल सेल, ठीक है, मसल सेल होती है। एंड मसल सेल में, मसल सेल कैसी होती है, इलॉन्गेटेड होती है, स्ट्रेच टू होने की पावर या टेंडेंसी में जनरली प्रेजेंट होती है। सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक की जो हम बात करें, तो सेकंड है इसका कि जो मसल सेल होती हैं, या मसल सेल होती है, वो जिस प्रोटीन से फॉर्म होती है वो होती है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से फॉर्म होती है। कौन सी प्रोटीन से फॉर्म होती है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन के थ्रू जो है जनरली इनका फॉर्मेशन होता है। फिर जो मसल सेल है या मसल सेल की जो यूनिट है उसको क्या बोला जाता है, सार्कोलेमा कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे, सार्कोलेमा, ओके, क्या कहते हैं इसे, हमको सार्कोलेमा कहा जाता है। और इसमें जो है इसका नेटवर्क प्रेजेंट होता है पूरा, ठीक है। तो उस नेटवर्क को हम जनरली क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा रेट या सार्कोलेमा रेटिकुलम, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो जनरल फंक्शन ऑफ सार्कोलेमा या जनरल फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट फंक्शन वही सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेकंड जो फंक्शन है लोकोमोशन प्रोवाइड करना यानी कि लोकोमोशन में हेल्प करना, ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एंड अदर जो है बोन्स के साथ कंबाइन होकर के जो स्ट्रेन
या हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंडोस्केलेटन का जो फॉर्मेशन होता है जनरली, तो एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन तो बोन्स के थ्रू होता है एंड एक्सोस्केलेटन जो है वो दोनों कंबाइंड होकर के क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को जो है प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कौन मसल, ठीक है, मसल जो है फेशियल एक्सप्रेशन जो शो होते हैं हम अपने फेस के थ्रू जो एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो वो किस के वजह से कर पा रहे हैं या किस रीजन से हो रहा है, तो मसल के थ्रू ही आप लोग कर पा रहे हो ना वो चीज। ठीक है, एंड जो कार्सरेशन की प्रोसेस होती है, तो क्या होता है जो बेबी की बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होता है या पार्चुरेशन की प्रोसेस में मसल का ही कॉन्ट्रेक्शन होता है एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसी की वजह से पार्चुरेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, इजीली हो जाती है। ठीक है, तो मसल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, मसल को जो है डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, थ्री पार्ट में। कौन कौन सी मसल होती है, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डिक। ठीक है, तो हम लोग अनस्ट्रेटेड या नॉन स्ट्रेटेड मसल डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट। अनस्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल क्या होंगी, देखो इसको जो है स्मूथ मसल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग, स्मूथ मसल। तो अनस्ट्रेटेड मसल कैसी होंगी, स्मूथ होगी। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है इनमें स्ट्रेटेन जो फाइबर है वो जनरली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं या प्रेजेंट नहीं होते हैं, दोनों ही बात सेम ही है। ठीक है, तो स्ट्रेटेन जो फाइबर है वो जनरली यहाँ पे बहुत लेस होंगे या फिर एब्सेंट होंगे एंड शेप जो होगा इन मसल्स का कैसा होगा, स्पिंडल शेप होती है एंड जो पॉइंट होते हैं या एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लंट्स होते हैं, ब्लंट्स एंड होते हैं। ठीक है, कैसे एंड होते हैं, ब्लंट्स एंड होते हैं एंड इन मसल में न्यूक्लियस जो है जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर पर प्रेजेंट होता है, सेल की जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसमें जनरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह से स्पिंडल शेप होंगी एंड न्यूक्लियस जो है मिड में या सेंटर वाले पार्ट में प्रोड्यूस होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और यूनिन्यूक्लियेट है। ठीक है, ये मसल कैसी है, यूनिन्यूक्लियेट होती है। ठीक है, स्ट्रेटन फाइबर जो है वो तो यहाँ पर एब्सेंट होते ही है। ठीक है, इसके अलावा देखो जो अनस्ट्रेटन मसल होती है जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल है, ठीक है, उसमें जनरली प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल की मसल और इसके अलावा जो किडनी है, किडनी में जो मसल्स होंगी वो एंड लंग्स की जो मसल्स होती हैं वो सारी वो मसल्स क्या होती हैं, अनस्ट्रेटेड होती हैं, बिकॉज ये इनवॉल्यूंट्री मसल होती हैं। कैसी मसल है ये, इनवॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री मसल का मीनिंग आप क्या होता है, तो देखो इनवॉल्यूंट्री मसल ऐसी मसल है जिन पर जो है हमारा या अपना खुद का एनिमल्स का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग बात करें तो अगर हम लोग ब्रीथिंग प्रोसेस को रोकना चाहें तो हम लोग नहीं कर सकते उसे कंट्रोल। ठीक है, बिकॉज वो तो क्या हो रही है, इनवॉलेंट्री मसल के थ्रू हो रही है, यानी कि वो कंटिन्यूसली उस प्रोसेस वो प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा। ठीक है, बट तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है नर्वस सिस्टम का या नर्व्स का, नर्वस सिस्टम या कोई भी जो नर्व है उनका कंट्रोल इसके इस पर नहीं होता है, मतलब सॉरी हमारा कंट्रोल इस जो मसल है उन पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू कंट्रोल की जाती है, ये जो स्ट्रेटन मसल है इनको इनवॉलेंट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन मसल का कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है, जो ANS होता है। ठीक है, ANS के थ्रू जो है इस इन मसल्स को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो हमारी खुद की बॉडी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर स्ट्रेटन मसल्स को, मसल जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। अब स्ट्रेटन मसल आपने देखो अनस्ट्रेटन मसल डिस्कस की तो कैसी है, वो स्मूथ है, बट अनस्ट्रेटन मसल सॉरी स्ट्रेटन मसल जो होंगी वो थोड़ी इसकी कंपैरिजन क्या होंगी, थोड़ी सी हार्ड होती है एंड हम लोग क्या बोल सकते हैं,
सकते हैं कि 80% जो बॉडी का पार्ट है, मसल्स जो 80% मसल्स जो है वो कौन सी होती है हमारी बॉडी में, स्ट्रेटेड मसल होती है। कैसी मसल, कौन सी मसल होती है, स्ट्रेटेड मसल होती है। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल जो है वो कैसी मसल है, इनमें जनरली न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, इनके एंड्स जो है कैसे होते हैं, टैपरिंग एंड होते हैं। कैसे एंड होता है, टैपरिंग एंड होता है। ठीक है, लॉन्ग होती है एंड स्ट्रेटेड है, तो स्ट्रेटिंग फाइबर जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जनरली। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो कि स्ट्रेटेड जो मसल्स होती हैं वो वॉल्यूंट्री मसल होती है। कैसी मसल है, वॉल्यूंट्री। ठीक है, तो बोन्स के साथ जनरली जो मसल कंबाइंड होती है वो कंबाइंड कौन सी होती है, स्ट्रेटेड मसल। बिकॉज ये बोन्स के साथ कंबाइंड होकर के हमारी जो लेग्स, हैंड्स और पूरी बॉडी की जितनी भी जो पार्ट्स हैं, आउटर पार्ट यानी कि बोन्स के साथ जो कनेक्टेड है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो वो मसल्स क्या होंगी, वॉल्यूंट्री मसल। ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, तो स्ट्रेटेड मसल वॉल्यूंट्री है बिकॉज उन पर हमारा कंट्रोल होता है। बिकॉज अभी हम लोगों को क्या करना है, कोई मूवमेंट करना है या फेशियल एक्सप्रेशन देना है या फिर अदर कोई भी कि मुझे डस्टर होल्ड करना है, ठीक है, रिटर्न करना है, तो हम लोग उसको खुद से कर पा रहे हैं ना, तो हमारा कंट्रोल है कि हम लोग जब खुद चाहते हैं किसी वर्क को करना तो ही हम कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूसली हम वर्क कर रहे हैं या हमारा हाथ जो है कंटिन्यूसली हम लोग इस हैंड से कंटिन्यूसली रिटर्न कर रहे हैं वर्क या लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ हमारा क्या है, कंट्रोल है। तो ऐसी मसल जिन पर हमारा कंट्रोल हो वो मसल कैसी होंगी, स्ट्रेटेड मसल होंगी। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया। आप देखो इसके अलावा यहाँ ये जो मसल होती है इनमें कुछ बैंड्स या जब फाइबर अरेंज हो रहे होते हैं तो इनमें कुछ बैंड्स बनते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, बैंड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और उनको जो है वो क्या करते हैं, उन जहाँ ये बैंड्स फॉर्म होते हैं उन प्लेसेस पर डार्क हो जाती हैं जो मसल्स होती है, डार्क जो हो जाता है वो एरिया जहाँ पर बैंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, कैसा हो जाएगा, डार्क एरिया हो जाता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन होती है इनमें। ठीक है, जो फाइबर जो है सेल फ्यूजन की वजह से होती है। कैसे होती है, मल्टी न्यूक्लियेट, यानी कि अपन ने क्या बोला था कि जो अनस्ट्रेटेड मसल है वो तो यूनि न्यूक्लियेट है, बट ये जो मसल होंगी वो कैसी होंगी, मल्टी न्यूक्लियेट होंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वहां पर सेल का जो है फ्यूजन हो जाता है, तो इस रीजन से होता है। ठीक है, ये मसल्स कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, अनब्रांच्ड होती है। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है ना। तो ये तो आपने क्या डिस्कस किए है, अनस्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड मसल। तो मसल्स जो टिश्यू है वो आपको क्लियर हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वाला पार्ट हमने डिस्कस किया कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट लिम्फ, लिम्फ नोड और उसके फंक्शन जो है हमारी बॉडी में क्या है, रोल प्ले करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, और आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कस किया है, इसके जस्ट बाद यहाँ पर हमने डिस्कस किया मसल टिश्यू एंड मसल टिश्यू में स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल हम लोग ने डिस्कस की है। ठीक है, आफ्टर दैट देखो यहाँ पर कार्डियक मसल्स जो है वो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ही, बट जो हमने फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू को डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फर्स्ट फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन या फाइब्रोब्लास्ट इसको आप लिखो तो वो ज्यादा करेक्ट रहेगा। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, ऐसी सेल्स होती हैं या ऐसी प्रोटीन है जो कि फाइब्रिन, ऐसी सेल है जो क्या करती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का क्या करती है, सिक्रीशन करती है, उसको फॉर्मेशन करती है। बिकॉज ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेकेंड प्रोटीन,
क्लॉटिंग का मीनिंग समझते हो आप लोग, ठीक है। क्लॉटिंग का मीनिंग होता है क्या, जो ब्लड जब इंजरी होती है तो इंजरी पर होने पर जो ब्लड है उसका रुक जाना है, स्टॉप होना, ठीक है। ब्लड का स्टॉप होना है, रुक जाना, वो क्या कहलाएगा, क्लॉटिंग प्रोसेस, ठीक है। थर्ड इज इंफेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है, इन्वेजन ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी में जब भी कोई पैथोजन क्या करता है, एंटर होता है, तो इन्वेजन हो जाती है बॉडी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन, ठीक है। फोर्थ इज एंटीबॉडी जो है वो गामा ग्लोबुलर होती है, या गामा ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उसको बोला जाता है एंटीबॉडी, ठीक है। एंड एंटीबॉडी जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो जब एंटर होता है कोई भी एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट जो है कुछ सेल्स का प्रोडक्शन करती है, कौन, जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वो क्या करता है, कुछ सेल्स का प्रोडक्शन करता है, और उन सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, ओके। नेक्स्ट एंटीजन वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए या एंटीबॉडी के सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या कहलाता है वो, एंटीजन। बिकॉज एंटीजन आउटसाइड यानी कि कोई कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, तो आउटसाइड या बाहर वाला ऐसा पार्ट है, ठीक है, या ऐसा पार्ट आप लोग बोल सकते हो जो बॉडी में एंटर करता हो, यानी कि आउटसाइड पार्ट, ठीक है, तो वो एंटीजन कहलाता है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इम्यून सिस्टम के थ्रू, ठीक है, तो वो एंटीजन, क्लियर। एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं बॉडी में उनको कंप्लीट कराने का वर्क करते हैं, कौन, एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन क्या है, हार्मोन सीक्रेटेड क्या है, सब्सटेंस है, केमिकल ऐसे केमिकल जो कि बॉडी में डायरेक्टली क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, यानी कि ब्लड में डायरेक्टली सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है, टारगेट और टारगेट ऑर्गन तक ब्लड के थ्रू ही पहुंचाए जाते हैं, इनके लिए कोई भी ट्यूब की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज ये ट्यूबलेस या डक्टलेस होते हैं, उनके थ्रू ही, बिना डक्ट के थ्रू ही इनका क्या हो जाता है, मूवमेंट इजिली हो जाता है, यानी कि ब्लड में डायरेक्टली सिक्रेट किए जाते हैं, क्लियर। तो ये आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।